अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आपको पता है ASP.NET का एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। इसके पिछले लेक्चर के अंदर हमने इस वेबसाइट प्रोजेक्ट का ओवरव्यू हमने लिया था, इंट्रोडक्शन लिया था, और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो उसका टाइटल क्या है। उसका टाइटल है ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम इन ASP.NET। ठीक है, तो एक ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन ओवरव्यू हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि हम क्या क्या चीज़ें उस वेबसाइट के अंदर रखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, एक वेबसाइट चाहिए होती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था हम जो यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करेंगे वो एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, और बूटस्ट्रैप का वर्जन कौन सा यूज करेंगे, हम 4 यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो, मैं यहाँ पे वेबसाइट को डिजाइन करना आपको नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होगा वो वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर होगा। ठीक है, मतलब मैं HTML, CSS, Bootstrap वगैरह को यूज करके आपको स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बनाना नहीं सिखाऊंगा कि भाई होम पेज कैसे बनेगा, हेडर कैसे बनेगा, फूटर, स्लाइडर, ये सारी चीजें कैसे बनेगी, क्योंकि इसमें हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नाम है टेम्पलेट ओवरव्यू। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट उठाया है। ठीक है, उस टेम्पलेट के बारे में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो टेम्पलेट है ये एक वेबसाइट का टेम्पलेट है, बूटस्ट्रैप 4 की वेबसाइट का टेम्पलेट मौजूद है जो कि पहले से बना बनाया हमारे पास मौजूद है। मतलब इसके अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग का सारा काम पहले से हुआ हुआ है। ठीक है, हमें जस्ट क्या करना है, इसके अंदर डेवलपमेंट का काम करना है। ASP.NET को यूज करके, SQL सर्वर डेटाबेस को यूज करके हमें जस्ट इसके अंदर डेवलपमेंट का काम करना है। ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग का काम करेंगे, आपको पता है एक तो डिजाइनिंग ईजी है, मतलब आप खुद भी अपने टेम्पलेट्स इजीली बना सकते हो, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, आप उसे भी मतलब अपने कोई टेम्पलेट अगर आपने बनाया हुआ है आप उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने एक टेम्पलेट इंटरनेट से उठाया है और उसी को मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं उस टेम्पलेट से आपका परिचय करवा देता हूँ, मतलब वो टेम्पलेट क्या है, कैसा दिखता है, उसके अंदर कौन कौन से पेजेस हैं, क्या चीजें हैं, इन सब का ओवरव्यू मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर दूंगा। और इसी टेम्पलेट को हम आगे जाके अपने ASP.NET के प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे और उसी के अंदर हम फर्दर डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अपने गूगल क्रोम में और मैंने वो जो वेबसाइट का टेम्पलेट है वो पहले से मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, देखो ये है वेबसाइट आपके सामने। ठीक है, इस वेबसाइट का टाइटल है मॉडर्ना। ठीक है, मतलब ये अभी जो वेबसाइट मैंने डाउनलोड की है ये पूरा का पूरा टेम्पलेट है जो कि HTML बेस्ड है। ठीक है, मतलब अभी ये जो पूरा का पूरा टेम्पलेट है ये HTML की फाइल्स के ऊपर मौजूद है। ठीक है, लेकिन जब मैं इस टेम्पलेट को अपने ASP.NET वेब फॉर्म के प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करूंगा तो तब इन सारी HTML फाइल्स को मैं कन्वर्ट करूंगा अपनी ASPX फाइल के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी ASP.NET के अंदर फाइल्स होती हैं, जो भी वेब फॉर्म्स होते हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .aspx। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास टेम्पलेट है जिसका टाइटल मॉडर्ना है, ठीक है, इसका ये होम पेज आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं होम पेज पे यहाँ पे आपको बताऊं, देखो नैव बार है और ये नैव बार एक स्टिकी नैव बार है, उसके नीचे यहाँ पे एक कैरोजल मौजूद है, कैरोजल मतलब स्लाइडर मौजूद है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो देखो जैसे मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा ये जो नैव बार है ये ऑटोमेटिकली ऊपर क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, स्टक हो जाएगी। फिर देखो नीचे यहाँ पे कुछ सेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर कुछ डमी डेटा मौजूद है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं यहाँ पे देखो एक पोर्शन है जहाँ पे लेफ्ट साइड में इमेज है, राइट साइड में टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो एक सेक्शन ये है फीचर्स का, इसमें हम अपने हिसाब से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पोर्शन ये है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं एक पोर्शन ये हमें मिलता है और फिर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल एक फूटर है। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत सा फूटर है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक बटन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा बॉटम राइट साइड पे, जो के है जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ये कहाँ ले जाएगा, बिल्कुल टॉप पे ले जाएगा। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करो, देखो मैं कहाँ पे आ गया, टॉप पे आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे पेजेस हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल पेज वेबसाइट तो हम बना नहीं रहे, ठीक है, ये मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम करेगी। तो देखो इसके साथ अबाउट अस का भी हमारे पास एक पेज मौजूद है, लिंक मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखो अबाउट अस का पेज आ गया। ठीक है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, देख रहे हो ये कुछ सेक्शन मौजूद हैं, इसके अंदर हम अपने हिसाब से डेटा वगैरह पुट कर सकते हैं। सही है, एक पेज ये है। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्विसेज का एक पेज हमें दिया हुआ है।
ठीक है, इसके साथ अगर हम काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखो ये सर्विसेज का एक पेज है, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ऊपर टॉप पे ब्रेड क्रम्ब भी नजर आ रहा होगा, अगर आप ये देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, फिर हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, देखो ये कुछ सेक्शन है, सही, मतलब ये आपके पास सर्विसेज का एक पेज है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो का भी पेज दिया हुआ है। वैसे पोर्टफोलियो की जरूरत तो हमें यहाँ पे पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम ये किसी सिंगल पर्सनैलिटी का पोर्टफोलियो नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये मौजूद है, अगर यूज करना चाहेंगे तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑल ऐप और सबके हिसाब से यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो का डेटा दिखा रहा है, ठीक है, कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी डेवलप हुई है, कार्ड, वेब वगैरह। ठीक है, फिर इसी तरह टीम, एक टीम का पेज है, सही है, टीम का पेज अगर आप यहाँ पे देना चाहो तो देखो यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक बहुत सा डिसेंट और सोबर सा एक वेब पेज है ये। ठीक है, फिर इसी तरह ब्लॉग भी है, ब्लॉग अगर आप देना चाहो यहाँ पे ब्लॉग का टेम्पलेट मौजूद है। फिर यहाँ पे आ जाओ ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन के अंदर आपके पास कुछ पेजेस हैं, ये अगर आप देना चाहो तो ये भी आप दे सकते हो। ठीक है, फिर इसी तरह एक कॉन्टेक्ट अस का भी पेज है, कॉन्टेक्ट अस के अंदर आपको पता है क्या होता है, कॉन्टेक्ट अस के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है। देखो आपको ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कॉन्टेक्ट फॉर्म नजर आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हम इसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे तो ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म का डेटा है ये हम डेटा बेस के अंदर स्टोर करवाएंगे, और यहाँ पे जो भी डेटा है वो एडमिन पैनल में क्या होगा, फेच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एड्रेस वगैरह है, ठीक है, नीचे यहाँ पे देखो गूगल मैप की फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे दी हुई है, फिर फुटर है, ठीक है, सही। और एक बात याद रखना, ये जो मैं टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ ये बूटस्ट्रैप 4 का टेम्पलेट है। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी आप कोई टेम्पलेट उठाते हो, ठीक है, बूटस्ट्रैप का जब भी आप कोई टेम्पलेट उठाते हो तो आप उसका वर्जन कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अक्सर जब हम बूटस्ट्रैप उठाते हैं, जिस तरह मैंने अभी जब ये वाला टेम्पलेट उठाया था, उससे पहले मैंने एक और टेम्पलेट उठाया था लेकिन उसका वर्जन बूटस्ट्रैप 3 था, मतलब जो कि 4 से पहले आया था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि भाई हम 4 के ऊपर काम करेंगे, इसलिए मैंने 4 का यहाँ पे ये टेम्पलेट उठाया है मॉडर्ना के नाम से। तो आप चेक कैसे करोगे कि ये जो टेम्पलेट है ये कौन सा बूटस्ट्रैप का वर्जन है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो ये बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं सारी, मतलब ये इस वेबसाइट की सारी फाइल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो इंडेक्स का पेज है, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, ये जो सारे मैंने अभी आपको पेजेस दिखाए, ठीक है, तो ये सारे के सारे इस मॉडर्ना फोल्डर के अंदर ये फाइल्स मौजूद हैं। तो देखो आपने क्या करना है, वर्जन चेक करने के लिए आप यहाँ पे देखो आपको एक फोल्डर नजर आएगा एसेट्स, आप इसके अंदर जाओगे, ठीक है, यहाँ पे देखो वेंडर, वेंडर का फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आपको एक फोल्डर नजर आएगा बूटस्ट्रैप का, आपने बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक सीएसएस का फोल्डर है, आपने सीएसएस के अंदर जाना है, और यहाँ पे देखो आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है bootstrap.min.css। ठीक है, देखो यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने नोटपैड के अंदर। ठीक है, ओपन विद, और यहाँ पे आके मैं नोटपैड पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे आप नोटपैड ओपन करोगे तो बिल्कुल टॉप पे इसका वर्जन आपको दिखाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बिल्कुल टॉप पे क्या दिखा रहा है, वर्जन 4.6.0, मतलब यहाँ पे इनिशियल क्या है, V4, इसका मतलब ये बूटस्ट्रैप 4 है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता स्टार्टिंग में तो वो बूटस्ट्रैप 3 होता, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ होता तो वो जो आपका लेटेस्ट वर्जन है इस वक्त बूटस्ट्रैप 5 वो होता। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जो आपका बूटस्ट्रैप है उसका कौन सा वर्जन का टेम्पलेट आपने उठाया है। ठीक है, आप भी अगर आपके पास कोई टेम्पलेट्स मौजूद है तो आप उसके साथ भी काम कर सकते हो। मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इस टेम्पलेट को लेके चलूंगा, ठीक है, और सारा काम करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये वाला टेम्पलेट देखो, ये टेम्पलेट बहुत ज्यादा डिसेंट है और बहुत ज्यादा सोबर है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कोई ओवर किस्म की मतलब एनिमेशन नहीं है, ट्रांजिशंस वगैरह नहीं है, मतलब बिल्कुल एक डिसेंट और एक सोबर टाइप का टेम्पलेट है जिसको यूज करके हम अपना ये ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये था टेम्पलेट का ओवरव्यू जिसको हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन देखो मैं आपको एक यहाँ पे टिप देता जाऊं कि जरूरी नहीं है कि आप यही टेम्पलेट यूज करो। ठीक है, ये टेम्पलेट मैंने फ्री उठाया है बिल्कुल इंटरनेट के ऊपर से, लेकिन जरूरी नहीं है आप इसी टेम्पलेट के साथ काम करो। मतलब आपने पहले से कुछ टेम्पलेट्स बना के रेडी किए हुए हैं तो आप उन टेम्पलेट्स को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि टेम्पलेट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बस जो मैं डेवलपमेंट के अंदर आपको काम सिखाऊंगा वो आपने अपने वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसी टेम्पलेट को अपने ASP.NET वेब फॉर्म के प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मतलब अभी ये जो
टेम्पलेट है ये HTML पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, मतलब इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, अपने ASP.NET वेब फॉर्म के प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बाद जाके हम सारा काम करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, टेम्पलेट इंटीग्रेशन, और टेम्पलेट इंटीग्रेशन का काम हम इंशाल्लाह करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।